हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्निंग। ठीक है, बहुत ही टाइम के बाद, ठीक है, मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट था, ठीक है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी, ठीक है, वो वाली वीडियो जाकर देख लें। उससे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, कि जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है उसका बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या कंसिडर की थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp। ठीक है, तो हमने इफेक्ट अब देखना है कि क्या हुआ। जो हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं आर स्मॉलर होते हैं इन साइज। ठीक है, साइज में क्या होते हैं, वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू sp3 एंड एज कम्पेयर टू sp2। ठीक है, sp वाले जो हमारे पास होते हैं छोटे होते हैं sp2 से, विच आर देमसेल्व्स स्मॉलर देन sp3 ऑर्बिटल्स। तो ये वाला ट्रेंड हमारे पास फॉलो होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ग्रेटर होगी, उनका साइज जो है, ठीक है, साइज ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू sp2 एंड एज कम्पेयर टू sp। तो हमने जो हाइब्रिडाइजेशन वैसे होती क्या है, मैंने अच्छी तरह, ठीक है, उस वीडियो में आपको समझाया हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, दो ऑर्बिटल्स होते हैं लाइक जैसे s एंड p, जे क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हाइब्रिडाइज मीन्स क्या होता है, हम जो अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं मिक्स होते हैं, ठीक है, एंड स्लाइटली ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, जिनकी एनर्जी जो होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जैसे एस की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू पी। सो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल, इक्विवेलेंट एनर्जी के जो होते हैं ऑर्बिटल्स, वो क्या करते हैं, मेड करते हैं। तो हमारे पास वो क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो उससे हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, मेनली जो थिंग होती है कंपाउंड बनती है, बॉन्ड बनती है। ठीक है, तो वो तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। तो इस पर हमने इफेक्ट देखना था। ठीक है, तो इफेक्ट क्या होगा, देयरफॉर बॉन्ड्स जो हमारे पास, वही बात आ गई ना, बॉन्ड पे हमने देखना है। जब बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेंगे, कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, मैंने सब जो है मीथेन वाला, ठीक है, CH2 वाला, ठीक है, इथेन वाला भी मैंने डिस्कस किया था, तो एसिटिलीन वाला भी मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड मैंने डिस्कस किए हुए हैं। देयरफॉर बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय sp ऑर्बिटल्स, जो sp ऑर्बिटल्स से बॉन्ड फॉर्म होंगे वो शॉर्टर होंगे एंड स्ट्रॉन्गर होंगे। तो ये वाला कंसेप्ट एक और भी होता है कि जो बॉन्ड शॉर्टर होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा शॉर्टर बॉन्ड होगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जैसे sp3 से क्या हमारे पास बनेगी, सिंगल बॉन्ड, sp2 से डबल बॉन्ड एंड sp3 से ट्रिपल बॉन्ड। सो इसका मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं वो शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एंड एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। जे वाला ट्रेंड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं, ठीक है, उनके क्या होते हैं, वो शॉर्टर होते हैं। तो हमें जे ट्रेंड क्या है, अगर इसको उल्टा होगा, ठीक है, जो फर्स्ट ऐसे होगा जी, पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, जी वही केस है मिथेन वाला, तो ठीक है, इथिलीन वाला एंड एसिटिलीन वाला, तो वही हो गया ना। मिथेन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है CH4 में, ठीक है, तो जो CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, ठीक है, इथिलीन उसमें डबल बॉन्ड होता है, जो एसिटिलीन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CH वो उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो वेयर एज फॉर्म बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाई sp2, जो sp2 से बनते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट, विच आर इन टर्न शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन फॉर्म्ड बाई sp और sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, वो उससे ज़्यादा शॉर्टर होते हैं देन फॉर्म्ड बाई sp3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो देन हमारे पास आ जाते हैं, ये तो इफेक्ट था, देन हमारे पास आते हैं फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फीचर्स क्या रहती है इसके। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास, जो हाइब्रिडाइजेशन कैन टेक प्लेस ओनली बिटवीन दोज ऑर्बिटल्स विच हैव नियरली इक्वल एनर्जीज एंड बिलोंग टू द सेम एटम। ठीक है, वही बात होगी ना, इक्विवेलेंट एनर्जीज वाले जो होते हैं, ठीक है, नियरली, नॉट इक्वल, ठीक है, ये वर्ड नियरली लिखना जो है जरूरी है।
ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है मीन्स मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है उस उन ऑर्बिटल्स में होती है जिनमें नियरली इक्वल एनर्जीज होती है दैट बिलोंग टू द सेम एटम, वो एक ही एटम से बिलोंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिथेन हो गया, ठीक है, मिथेन की कॉमन एग्जाम्पल लेकर चले हम, तो क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। तो इसमें क्या है, रट्टा फिक्सेशन ही आपने करनी, ठीक है, क्रैमिंग नहीं करनी। जब आप क्रैमिंग करेंगे तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ऑकी लगेगी, ठीक है, तो जितना अंडरस्टैंड करके करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो सेकेंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है जो हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड, इसकी एक कंडीशन क्या है, हाफ फिल्ड और वाइटल्स, ठीक है, हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड क्या है और वाइटल्स है, मैं लिखना जहाँ पे भूलूंगी, ठीक है, और वाइटल्स होते हैं और वाइटल्स टेकिंग पार्ट इन, मैं वाइटल्स बोल रही हूँ जहाँ पे ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन नीड नॉट नॉट टू बी ओनली हाफ फिल्ड, इवन कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या वो क्या कह रहे हैं कि जो हाफ फिल्ड है वो ही जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं कर ले सकते, ठीक है, जो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं वो भी ले सकते हैं, लाइक हाफ फिल्ड लाइक डी फाइव, ठीक है, डी थ्री, ठीक, डी सेवन, कम्प्लीटली फिल्ड जैसे डी टेन, डी सिक्स, ठीक है, जो होते हैं इस टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको, वो भी क्या हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन प्रमोशन, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन को और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बोलते हैं, टेक प्लेस बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। ये नेसेसरी नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन होती है वो हाइब्रिडाइजेशन से पहले हो, ठीक है, बाद में भी हो सकती है, ठीक। सो जैसे होता है, मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है, उस प्रकार से जो है स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो उतने ही बनेंगे जितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किए हैं। ये तो इजी सी बात है ना, भाई जितने जो पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बनेंगे। जैसे जो हमारे पास है, मान लो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने बने हैं, ठीक है, फोर बने हैं, फोर एस पी थ्री वाले बने हैं, ठीक है, तो उतने ही होंगे जितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सी एच फोर का केस है तो चार होंगे इसमें, ठीक है ना, एस 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 इसका भी, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको पहले भी, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं हमेशा जो होते हैं इक्विवेलेंट मीन्स सेम, ठीक है, सेम शेप में भी होते हैं एंड एनर्जी में भी होते हैं। शेप इन दी सेंस जैसे लोब्स होती है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लोब्स होती है वो वाली शेप। सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, ठीक है, देयर फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही होगा, ठीक है, और भी क्लियर कर देती हूं। लास्ट केस आया था सिक्स्थ पॉइंट में, हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, ऑर्बिटल्स, और एक साइड पे था हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, इन्होंने क्या बताया है फीचर्स में, जो होते हैं जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं जो एज कम्पेयर टू दीज, ठीक है, जो लेस बनाते हैं, लेस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। अब तो ये तो हम नहीं कह सकते ना कि जो जब हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो ये बात तो हम जगह पे नहीं कह सकते कि जो वीक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मिक्सिंग होती है किन की, टू ऑर्बिटल्स की, ठीक है, जितने भी हो सकते हैं, लाइक एस, ठीक है, एंड पी, ठीक है। तो जब क्या होती है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ऑफ टू एटम्स, टू एटम्स, ठीक है, कितना क्लियर होगा, लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन की बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है, सी एच ऐसे बनेगा बॉन्ड। तो जहाँ पे क्या क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड में क्या होती है, नो मिक्सिंग, ठीक है, कोई मिक्सिंग नहीं होती इसमें, ठीक है। तो अकेला अकेला रहता है एस ऑर्बिटल्स, अकेला रहता है एस, किसका होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल हम लेते हैं हाइड्रोजन एटम, तो पी किसका होगा,
ठीक है, कार्बन एटम का होगा। तो नो मिक्सिंग, तो इसका मतलब क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, अकेला अकेला जो एटम एटम की फॉर्म में रहेगा, ठीक है, कंपाउंड ही बनेगा, मॉलिक्यूल ही बनेगा, तो क्लियर है। सो इस पे क्या होता है, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, ठीक है, नहीं बनते। तो हमारे पास सेवन्थ पॉइंट क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस सो दैट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिटरमिन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो इनकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है, स्पेसिफिक होती है, सो दैट जो उसकी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है हम इजीली, ठीक है, क्या कर सके, पहचान सके। तो ये थी हमारे पास, ठीक है, आज हमारे वीडियो में दो टॉपिक, इफेक्ट एंड फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ठीक है, होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अंडरस्टैंड भी हुआ होगा कंसेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो टिल देन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, ठीक है, शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का, ठीक है, बटन दबाएं, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज हो। सो टिल देन, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।